प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने भू माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की है। मामला धूमनगंज का है, जहां प्लॉटिंग के मामले में धमकी देने और रंगदारी का मामला एक वहां पर सामने आया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी तो पता चला कि माफिया अतीक के गैंग के लोगों ने रंगदारी मांगने और धमकी देने का काम किया, जिसके बाद माफिया अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत उसके 6 करीबियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि जेल से अशरफ के कहने पर सूरज पाल को धमकी दी गई और मारा पीटा गया। धूमनगंज के भीटी निवासी एक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया, सूरज पाल नाम है उनका, और उन्होंने बताया कि जब अपने प्लाट पर काम करने गए थे तो कुछ लोग गए थे जो अपने को अशरफ से जुड़े हुए बता रहे थे, और उन्होंने कहा 20 लाख रुपये दो तब इस पर काम करना, और इसमें 3-4 लोग उनके साथ और थे। इसके अलावा उन्होंने धमकाने का, मारने पीटने का भी उसमें आरोप लगाया है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी है। उस आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। जो लोग भी दोषी उसमें पाए जाएंगे विवेचना में, सबके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें अशरफ जेल में है, अतीक भी जेल में, तो उनके गैंग से जुड़े लोग इस तरह की वारदातों को लगातार, उसमें कुछ नाम जो FIR में उन्होंने बताया कि जो लोग मौके पर गए थे धमकाया है उन्होंने, गैंग के मेम्बर तो हैं, और वो बताया कि हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके कहने पर ही पैसा मांगने आए हैं, ऐसा उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। अभियोग पंजीकृत किया गया है जो उनकी तहरीर के आधार पर, और विवेचना की जा रही है, जो सही पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी।